रहस्य। इसके कवि है डॉक्टर हरि कृष्णा देवसरे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसी ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कहा था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, मामा जी ने कहा है, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार 15 का परिवार रहता था। जब जमींदार का परिवार ख़त्म हो गया, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरे किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामी जी का फ़ोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्के की भी फ़ोटो लिए। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरा की तरफ एक पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैशिंग के भी यह तस्वीर खींच सकता लेता है, कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वह दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरी होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकारों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वह दबे पाँव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा बंद अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से तो बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछें वाले कई लोग पगड़ी बांध के बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वह खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटका रही थी। बंदूक और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारे किए। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वह घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाया और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार
कर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं लिए जा सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखे तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दी। वह परेशान हो उठे, उन्होंने ऐसा खतरनाक काम करना पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? इंसान नहीं, इंसान ही भूत होते हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनके फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य ना खोले, इसलिए उन्होंने भूत होने का अफवाह फैलाया है। यदि लोगों का आना जाना रहता है तो वह अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोलो, आप मेरे साथ थाना चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं को गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है, डकैती राजजनी इनका पेशा है, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है, इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयार कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस राजभूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिया, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वाले ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, सभी डाकुओं के अंत के साथ मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनका राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है।